हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 10 और जिसका नाम है द बैगर। ये कहानी है एक भिखारी की जो काम नहीं करना चाहता और केवल भीख मांगता है, परंतु किसी प्रकार से उसके जीवन में कुछ नए लोगों का आगमन होता है और उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। तो देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से वो भिखारी पूरी तरह बदल जाता है और कौन उसके जीवन में बदलाव लेके आता है। एडवोकेट सरगई जो है वो रास्ते से जा रहे थे, तभी एक भिखारी जो है वो उनसे अनुरोध करता है कि सर, कृपया मेरी तरफ थोड़ी ध्यान दीजिए, मुझ पे थोड़ी दया कीजिए, मैं भूखा आदमी हूँ, मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। पिछले 8 सालों से मैं एक स्कूल में टीचर था और मेरे साथ में किसी ने कोई षड्यंत्र कर लिया और मैं दुर्भाग्यवश बदनाम हो गया और उसके बाद मेरे पास कोई भी काम नहीं रहा। एडवोकेट सरगई जो है वो इस भिखारी की तरफ देख रहे हैं जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं और ये बिल्कुल नशे की हालत में दिख रहा था। और जब वो उसकी तरफ देख रहे थे तो उन्हें लगा कि इस व्यक्ति को उन्होंने पहले भी कहीं देखा है। ये व्यक्ति एडवोकेट सरगई से कहता है कि कलुगा जो प्रांत है वहाँ पे मुझे एक काम का प्रस्ताव भी आया था, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसा भी नहीं है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप मेरी सहायता कीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं आपसे सहायता मांग रहा हूँ, पर मेरी परिस्थितियाँ ही खराब है, मैं क्या करूँ। सरगई जो है वो उस व्यक्ति के जूतों की तरफ देखते हैं और ऊपर से नीचे उस व्यक्ति को बार बार देखते हैं। अचानक उन्हें कुछ याद आता है। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने आपको एक दिन पहले सदोविया स्ट्रीट के पास देखा था, लेकिन तब तो आपने मुझे ये बताया था कि आप एक विद्यार्थी थे जो अपने स्कूल से निकाल दिए गए थे, लेकिन आज तो आप मुझे बता रहे हैं कि आप एक स्कूल टीचर थे। तब वो भिखारी कहता है, नहीं 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 ऐसा नहीं है, मैं तो एक स्कूल टीचर ही था, मैं तो कोई विद्यार्थी नहीं था। अगर आप चाहें तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स या कागज आपको दिखा सकता हूँ। वो जो भिखारी है इस बात से थोड़ा हक्का पक्का रह गया था। एडवोकेट ने कहा, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, कभी तुम अपने आप को स्टूडेंट बोलते हो, कभी तुम अपने आप को टीचर बोलते हो, जरूर दाल में कुछ न कुछ काला है। एडवोकेट सरगई ने उससे कहा, ये तो तुम मुझसे धोखाधड़ी कर रहे हो और इसके कारण से मैं तुम्हें पुलिस में पकड़वा सकता हूँ, तुम मेरे साथ में गलत चालबाजी कर रहे हो। तब उस व्यक्ति ने कहा, माफ कीजिए श्रीमान, मैं झूठ बोल रहा था, न ही तो मैं कोई स्टूडेंट था और न ही मैं कोई टीचर था, वास्तव में ये सारी मेरी झूठी कहानियाँ थी और मैं एक रशियन कोयर ग्रुप में जहाँ सब लोग मिलके एक साथ गीत गाते हैं वहाँ पे गाना गाया करता था, लेकिन मुझे शराब पीने की आदत थी, इस कारण से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया और उसके बाद में मुझे कोई काम नहीं मिला। अगर मैं लोगों को मेरे बारे में सच बताता तो मुझे कोई भी काम देने को तैयार नहीं था। अब ऐसी परिस्थिति में आप ही बताइए कि मैं क्या करता। तो एडवोकेट सरगई ने कहा, तुम कुछ भी काम कर सकते हो। तो उस भिखारी ने कहा, मैं काम तो कर सकता हूँ लेकिन मुझे काम मिलता ही नहीं है, आप बताइए मैं क्या काम करूँ और मैं कहाँ काम ढूंढने के लिए जाऊँ। तो एडवोकेट सरगई ने कहा, क्या तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काट सकते हो। भिखारी ने कहा, हाँ मुझे कोई आपत्ति नहीं है ये काम करने में, लेकिन आजकल आपने देखा होगा अच्छे अच्छे जो लकड़हारे हैं उनके पास भी खाने को पैसा नहीं है, उनको भी पर्याप्त काम नहीं मिलता है। तो एडवोकेट ने कहा कि तुम एक काम करो, मेरे घर चलो और मेरे घर पे मेरे लिए लकड़ियाँ काट देना। अब ये जो भिखारी है वो उसकी बातों में फंस चुका था तो उसने कहा, ठीक है सर, मैं आपके साथ चलता हूँ। सरगई अपने घर पे पहुँचे और घर पहुँचते ही उन्होंने अपनी कुक को किचन से आवाज़ दे के बुलाया। उन्होंने कहा, ओल्गा देखो ये जो जेंटलमैन है
हमारे यहाँ पे लकड़ी काटने के लिए आए हैं, तो हमारे जो लकड़ी का वुड शेड है वहाँ इनको ले जाइए और वहाँ ये लकड़ी काटेंगे। ओल्गा जो है उस व्यक्ति को ढंग से देखती है, वो व्यक्ति जो है किसी कंकाल की तरह दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था इस व्यक्ति में तो काम करने के लिए बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। ओल्गा ने सोचा ये व्यक्ति कहाँ से लकड़ी काटेगा, और लगता है ये वकील साहब की बातों में फंस गया होगा, इसलिए इसने काम करने की हाँ कर ली होगी। लेकिन इसके शरीर को देख के तो ये लग नहीं रहा कि ये कुछ काम भी कर सकता है। सरगई अब अपने डाइनिंग रूम में चले गए, वहाँ की खिड़की से वो बाहर देखने लगे। यहाँ से उन्हें वुड शेड दिखाई दे रहा है और वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो आसानी से देख रहे हैं। सरगई ने देखा कि जो कुक है और जो बेगर है वो आगे जा रहे हैं और उन्होंने वहाँ पे कुछ चीज़ों को एक तरफ कर दिया। ओल्गा जो है वो उस भिखारी की तरफ देख रही है और वो सोच रही है कि ये कैसा व्यक्ति है, ये कुछ काम कर पाएगा या नहीं। कुछ समय बाद में उसने देखा कि ये जो व्यक्ति है वो साइड में बैठ गया और अपने ख्यालों में खो गया। उस महिला ने उसकी तरफ एक कुल्हाड़ी फेंक दी और उसे डांटते हुए कहा, चलो इन लकड़ियों को काटो। लेकिन ये जो भिखारी है जिसका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, उसने किसी तरह से इस कुल्हाड़ी को उठाया और लकड़ी पे प्रहार किया। अरे ये क्या, लकड़ी तो उछल के उसके पास ही गिर गई। ऐसा लगा जैसे ये लकड़ी उसे चोट पहुंचा देगी। तब ओल्गा ने कहा, सावधानी से काटो। लेकिन उसे समझ में आ चुका था कि ये व्यक्ति जो है लकड़ियां नहीं काट पाएगा। अब वो जो वकील है वो अपने आप में पछता रहे थे कि किस कारण से उन्होंने एक शराबी व्यक्ति को काम करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें इस व्यक्ति को काम करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। और उसके बाद में वकील साहब जो हैं वो अपने काम में लग गए। 1 घंटे बाद में ओल्गा आई और ओल्गा ने एडवोकेट सरगई से कहा कि लकड़ियां काटी जा चुकी हैं। तो एडवोकेट ने कहा कि ठीक है, इस व्यक्ति को कुछ पैसा दे दो और उसे कह दो कि अगर वो दोबारा काम करना चाहे तो हर महीने की 1 तारीख को यहाँ आ जाए और कुछ काम हम उसे दे देंगे और उसे थोड़ा पैसा मिल जाएगा। इसके बाद में हर महीने की 1 तारीख को ये जो आलसी और बिना घर वाला व्यक्ति है वो वहाँ आ जाता और थोड़ा थोड़ा पैसा वहाँ से लेके चला जाता। और जब भी वो व्यक्ति वहाँ आता कुछ न कुछ काम उसके लिए ढूंढ लिया जाता। कभी वो बर्फ को यहाँ से वहाँ कर देता, कभी वुड शेड में लकड़ियाँ काट देता, कभी वो धूल मिट्टी को साफ कर लेता, कभी वो थोड़ा बहुत और कोई काम कर लेता। इस प्रकार से उसे थोड़े थोड़े पैसे दिए जाते रहे और एक बार तो उसे पुरानी ट्राउजर भी जो है वो भी दे दी गई थी। जब एडवोकेट सरगई जो है वो दूसरे घर जा रहे थे, तब उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को अपने यहाँ सामान को पैक करवाने के लिए और सामान को दूसरी जगह ले जाने के लिए सहायता के लिए बुला लिया था। इस बार ये जो बिना घर वाला व्यक्ति है बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, वह किसी प्रकार की हरकत नहीं कर रहा था, उसने किसी फर्नीचर को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया था, वह सामान के पीछे पीछे चल रहा था और वह कोई किसी काम को करने का बहाना भी नहीं कर रहा था। और बाकी जो लोग काम करने वाले थे वो उसे देख के ही उस पे ताने कस रहे थे। वो कह रहे थे ये कैसा व्यक्ति है जो कोई भी काम नहीं करता है। सारा काम हो जाने के बाद में एडवोकेट सरगई ने उस भिखारी से कहा कि तुमने मेरे लिए बहुत काम किया है, अब मुझे लगता है तुम्हें काम करने में कोई परेशानी नहीं है। और एडवोकेट ने उसे कुछ पैसा दे दिया और उसने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। उस भिखारी ने अपना नाम बताया, मेरा नाम लश्कोफ है। तो एडवोकेट सरगई ने कहा, अच्छा लश्कोफ, क्या तुम कोई दूसरा अच्छा काम करना चाहते हो, क्या तुम लिख सकते हो। तो उस लश्कोफ ने कहा, जो कि भिखारी है, कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक पत्र दे रहा हूँ, ये कल तुम मेरे दोस्त को दे देना, वहाँ पे तुम्हें कुछ लिखने का काम मिल जाएगा और वहाँ पे कड़ी मेहनत करना, शराब नहीं पीना और ध्यान रखना
अपने काम को सही तरीके से करना। चलो मेरी तरफ से आपको अलविदा। ऐसा कहने के साथ में ही एडवोकेट सरगेई ने सोचा कि मैंने एक गलत राह पे चलने वाले व्यक्ति को सही रास्ता दिखा दिया, और सरगेई ने उस लश्कोफ की पीठ को थपथपाते हुए उसे विदा कर दिया। उसके बाद में लश्कोफ उस घर में कभी भी नहीं दिखाई दिया। इसी प्रकार से 2 साल बीत गए। एक शाम को सरगई जो हैं वो मूवी थिएटर के बाहर टिकट विंडो की लाइन में खड़े थे, तभी उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो उन्हें जाना पहचाना सा लग रहा था। वो जो व्यक्ति है वो भी टिकट ले रहा था। एडवोकेट सरगई ने कहा, लस्कोफ क्या यहाँ तुम हो? अरे तुम कैसे हो? आजकल तुम क्या कर रहे हो? तो लस्कोफ ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आजकल मैं एक नोटरी बन चुका हूँ और मुझे हर महीने 35 रूबल्स मिलते हैं। एडवोकेट सरगई ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ लश्कोफ। देखो तुम मेरे लिए एक भगवान के पुत्र के समान हो, क्योंकि मैं तुम्हें गलत रास्ते से सही रास्ते पे लेके आया हूँ। क्या तुम्हें याद है कि मैंने किस तरह से तुम्हें डांटा फटकारा था जब तुम मेरे सामने झूठ बोल रहे थे? मैंने वास्तव में तुम्हें बहुत ज़्यादा डांट फटकार दिया था। अगर और कोई व्यक्ति होता तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता, लेकिन तुमने मेरी बातों को सही तरीके से लिया और तुम एक अच्छे इंसान बन गए। अब लश्कोफ जो है वो कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं आपके पास नहीं आता तो आज मैं अपने आप को झूठा टीचर या झूठा स्टूडेंट ही कहता रहता। वास्तव में मैं आपकी शरण में आके उस बुराई से बच निकला, वरना मैं अभी भी वैसा ही रहता। अब एडवोकेट सरगेई जो कह रहे हैं कि मैं भी आपको इस हालत में देखकर बहुत खुश हूँ। लश्कोव कहता है कि आपने जितने भी शब्द मुझे कहे और जितने भी काम मेरे लिए किए उन सब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपका और आपके साथ ही साथ आपकी जो कुक ओल्गा है उसका भी बहुत बड़ा आभारी हूँ। भगवान उस महिला को सारी खुशियाँ दे। आपने जरूर मुझसे निर्दयता से बात की थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ उस महिला का जिसने पूरी तरीके से मेरा जीवन बदल दिया। अब एडवोकेट सरगेई जो है वो बहुत ही आशंकित हो गए कि ये जो लश्कोफ है ये मेरी कुक ओल्गा का नाम क्यों ले रहा है। तो लश्कोफ ने उन्हें बताया कि अगर आपको याद है कि मैं आपके घर पे आया था और मुझे लकड़ी काटने का काम आपने दिया था, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने वो काम नहीं किया था। मेरे बजाय उस महिला ने मेरे लिए वो काम किया था, और वो मेरे लिए बहुत रोया करती थी और मुझे कहती थी कि तुम बहुत दुर्भाग्यशाली हो, इस दुनिया में तुम्हारा कोई भी नहीं है, तुम्हारा क्या होगा, तुम इतनी शराब पीते हो, तुम नरक में जाओगे, तुम हमेशा इसी तरह से दुखी रहोगे। वो बेचारी महिला मेरे लिए बहुत अधिक परेशान होया करती थी और मेरे लिए सारा काम कर दिया करती थी, और धीरे धीरे उनकी बातों को सुन के मेरे अंदर बदलाव आया, और ये बदलाव आते आते मैं एक अच्छा इंसान बन गया। क्या आपको पता है सर, आपने जितने भी काम मुझे दिए थे उनमें से कोई भी काम मैंने नहीं किया था। वो सारे काम ओल्गा ने ही मेरे लिए किए थे, और उन्हीं के कारण से मेरे अंदर इतना बड़ा बदलाव आया है। वास्तव में मैं उनका जितना आभार प्रकट करूं उतना ही कम होगा, लेकिन ये भी सही है कि आपके कारण ही मैं उनसे मिला था, इसलिए आपका भी बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से एक बुरा इंसान जो है उसके जीवन में एक अच्छे इंसान ने कितना अधिक बदलाव कर दिया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।